सिविल स्टैप के इस मंच पर सभी साथियों का बहुत बहुत अभिवादन। दोस्तों सबका जो है स्वागत है, और हर रोज की तरह उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बड़ी अच्छी चल रही होगी और साथ ही साथ आपके और आपके परिवार की सेहत हेल्थ अच्छी होगी। दोस्तों इस बात की भी कामना करता हूं। तो आज का जो सेशन है उसकी शुरुआत करते हैं आज के विचार से। दोस्तों बड़ा ही खूबसूरत विचार है, लेकिन उससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जिसमें से डॉक्टर मोनिका है, विक्रम, निशा चौहान, हमांसी चौधरी, और जो है निशा की एक बहुत अच्छी बात है कि वो गुड इवनिंग मुझे भी करती है और सभी स्टूडेंट्स को भी करती है। मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स बाय नेम है एक दूसरे को जानने पहचानने भी लग गए होंगे। निकिता, नितीश, प्रदीप, राहुल, सपना, शिल्पा, श्रुति, सभी का बहुत बहुत स्वागत। और चाहूंगा कि सेशन को एक बार जरूर अपने साथियों के साथ, अपने सभी उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो कि प्रेपरेशन से जुड़े हैं, वहां पर इसे शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों अगर आपने इसे अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कर दें। तो दोस्तों जब भी जो है कोई एग्जाम का रिजल्ट आता है, और नितीश यार क्या बातें कर रहे हो तो यहां पर जो है मैं बात करूं, जब भी किसी भी एग्जाम का जो है रिजल्ट आता है दोस्तों, एग्जाम के रिजल्ट के एक मिनट पहले तक जो है किसी को भी नहीं, जिनके एग्जाम्स बहुत अच्छे भी हुए हों उनको भी ऐसी उम्मीद नहीं होती कि जो है हम फर्स्ट आएंगे, हमारा फर्स्ट रैंक आएगा। दोस्तों जो बाद में जब उनका एक्सपीरियंस बन जाता है, जब दोस्तों उनके अच्छे रैंक्स आ जाते हैं, और फिर दोस्तों जो है एक के एक के बाद एग्जाम्स उनके क्लियर होते हैं, फिर उनका जो कंक्लूजन यही निकलता है कि दोस्तों उनमें और उनके साथ जो पढ़ रहे थे जिनके एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए, हालांकि ऐसा नहीं है कि उस स्पेसिफिक स्टूडेंट जो रैंक वन है, रैंक टू है, रैंक टेन है, बहुत ज्यादा दिमाग भगवान ने दिया है। बस एक ही सबसे बड़ा डिफरेंस रहे वो रहा है दोस्तों, दैट इज द प्रैक्टिस एवरी डे। सक्सेस इज नथिंग मोर देन ए फ्यू सिंपल डिसिप्लिन, प्रैक्टिस एवरी डे। तो ये जरूर याद रखें, और दोस्तों हर रोज अगर आप करते रहेंगे डेफिनेटली जो है ये कंक्लूजन निकल के आएगा, फिर आप लोगों से शेयर करेंगे। लेकिन बस फर्क इतना है, अब यहां पर जैसे निशा चौहान ने बोला है कि उनका अभी लास्ट ईयर का एचएएस है, वो इंटरव्यू है, आउट है। मुझे लगता है और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, आप मुझे जरूर बताएं जो है आज, मैं चाहे एक मिनट लग जाए, दो मिनट, कि मुझे जल्दी से बताएं आपके कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो दोस्तों आपने अभी तक क्लियर किए हैं, चाहे वो प्री ही क्लियर किया हो, चाहे उसका एक सेक्शन ही किया हो, और हो सकता है आप में से कुछ ना कुछ सरकारी जॉब्स ऑलरेडी एग्जाम्स करके भी जो है आगे जो है दोस्तों जो है अगले एग्जाम्स के लिए भी पढ़ रहे होंगे, तो वो साथ साथ जरूर बताएं मुझे। क्योंकि हमेशा जो है दोस्तों जिन लोगों ने है कोई अचीवमेंट हासिल की होती है, उनकी जो बातें हमेशा ज्यादा वजनदार हैं। मुझे लगता है जितने भी हम बहुत सारे जो टॉपर्स के इंटरव्यूज देखते हैं, उससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस लेके लोग बैठे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली जो अचीवर्स हैं उन्हीं का एक्सपीरियंस ज्यादा है, महत्व रखता है, और ऑब्वियसली बात है लोग उसको ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। और दोस्तों यही कंक्लूजन रहता है कि प्रैक्टिस एवरी डे, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है कि भाई उसका दिमाग ज्यादा था, उसने बादाम ज्यादा खाए, उसने दूध ज्यादा पिया, ऐसा कभी कोई डिफरेंस नहीं होता। और यहां पर जैसे कि मोनिका बोल रहे हैं एचएएस एंड यूपीएससी, मोनिका आपका ये दोनों प्री क्लियर है या आप इंटरव्यू तक भी गए हैं, ये जरूर बताएं। नीतीश कह रहे हैं कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट है सर, ओके। और शालोनी है अलाइड प्री, दो बार क्लियर है, हाँ जी बिल्कुल बहुत अच्छा। निशा कह रहे हैं कि सर एचपीएस इन फर्स्ट अटेम्प्ट बट फेल इन मेंस एग्जाम, ओके ओके। चलो आप जो है मुझे लगता है जो चार पांच स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उत्तर दिए हैं, आपका जरूर है इस साल 2022 में किसी अच्छी सिलेक्शंस पर आप आ जाएंगे। और इस अटेम्प्ट टाइम है सर, और मोनिका प्री ओनली एचएएस एंड यूपीएससी, ओके। जो है एचएएस और यूपीएससी मतलब एचएएस में ही प्री क्लियर है आपका, ओके। और ठाकुर कह रहे हैं कि आई गिवन एचएएस मेंस थ्री टाइम्स, ओके। विक्रम ठाकुर एचपीएस मेंस डाउन, ओके, मेंस निकले हैं। शीतल है फर्स्ट अटेम्प्ट है, बाकी लोगों को देखकर लग रहा है कि हमारा चांस ही नहीं है। शीतल ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जिन एग्जाम्स स्पेशली जो सिविल सर्विसेज में जब प्री का जो है गेम है, मेंस में जरूर आपकी तैयारी जो आपने पहले की है काम आती है,
लेकिन प्री क्योंकि करंट का पार्ट है और जो जो स्ट्रेटजी है प्री को लेकर हमेशा डिफरेंट फ्रेश रहती है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिन्होंने पहले की है ज्यादा पढ़े हैं दोस्तों, वो हेल्प तो जरूर मिलती है लेकिन सभी के इक्वल ही चांसेस रहते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर नीतीश जमता एक्सपीरियंस, हाँ जी, और फर्स्ट अटेम्प्ट है लगभग सभी स्टूडेंट्स का। और राहुल कौशल बोल रहे हैं कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट सर, एंड आई जस्ट एंटर्ड इन रेस जस्ट 1 मंथ बैक। कोई बात नहीं राहुल, जो है जोर से है, अब आप आ जाइए और आपकी जो जो तैयारी की जो दोस्तों जो असर है वो आपके एग्जाम्स में वो दिखना चाहिए। तो चलते हैं, चलिए आज के हेडलाइंस की तरफ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने एक्सपीरियंस दिए हैं और भरत भूषण ने भी दिया है, बस आप लगातार तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस एवरीडे दोस्तों, चाहे सोने से 1 घंटा पहले। मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो आपकी जिंदगी में आदतें बनेंगी दोस्तों, वो आदतें ही आपको हैं HAS या फिर दोस्तों UPSC IAS जो भी आप बनना चाहते हैं वो आपको है बनाएंगी। ये आदतें बड़ी महत्वपूर्ण है, एक आदत जरूर बनाएं जिंदगी में कि आपको किताबें पढ़े बिना नींद नहीं आनी चाहिए। सुबह उठते ही आपको थोड़ा बहुत जरूर पढ़ना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं अपना करना है, ना ही किसी का टाइम वेस्ट करना है दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना कि जो कुदरत है, नेचर जो है दोस्तों, जो आप उसको देते हैं वो आपको जरूर मिलता है। तो किसी का टाइम ना वेस्ट करें, सबकी हेल्प करें और सुबह शाम का जो वक्त है उसको सही से यूटिलाइज करें। हाँ जी, और ठाकुर भाई व्लॉग्स गिवन हैज 3 times एंड अलाइड मेंस वंस बट दिस ईयर वेटिंग फॉर मेंस मार्क्स। ओके ठाकुर, चलो चलते हैं दोस्तों आज के हेडलाइंस की तरफ। और मुझे अब तक काफी सारी बातें हो गई हैं आपसे, तो सबसे पहली जो न्यूज है आज थोड़ी विस्तार से है, जो दोस्तों कल भी हमने बात की थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की। तो यहां पर आप देखते हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं उनके साथ मॉरिशस के प्रेसिडेंट हैं, ये सभी दोस्तों हैं जामनगर में आए हुए थे। और यहां पर इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दोस्तों अकेले और दोस्तों ट्रेडिशनल सेक्टर की है इन्होंने स्थापना की है। और ये जो स्थापना है भारत में हमारी जो आयुष मिनिस्ट्री है, तो ये जो आयुष मिनिस्ट्री है दोस्तों आयुर्वेदिक यूनानी सिद्धा और होम्योपैथिक, उसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर भारत का दोस्तों पहला और ओनली ग्लोबल सेंटर टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इसकी शुरुआत की है। इसका दोस्तों जो मकसद है, इट हेल्प्स टू इंप्लीमेंट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटजी। दोस्तों इसका जो मकसद है, क्योंकि जो हमारे ग्लोबल दोस्तों जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो उनमें भी जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन से जो है दुनिया के बहुत बड़े जो दोस्तों जो बहुत बड़े पॉपुलेशन तक पहुंचने का जो एक बीड़ा है, जो एक मकसद रखा है, वो इसके जरिए है वो पहुंचाया जाएगा। और यहाँ पर फिलहाल भारत से शुरुआत हुई है, और दोस्तों क्योंकि कई दुनिया के और भी देश हैं जहां पर इस तरह की ट्रेडिशनल मेडिसिन या ट्रेडिशनल जो थेरेपीज हैं बड़ी कामगर हैं। और इसके जो मुख्य तौर पर अगर हम गोल की बात करें, किसके गोल की दोस्तों, यहां पर हम बात कर रहे हैं ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की, इसको शॉर्ट फॉर्म में GCTM लिखा है, जिससे कि हम जो चाहते हैं कि दोस्तों जो डाटा बेस है इस पूरी की पूरी जो नॉलेज है उसका बन सके, उसके ऊपर किताबें रिसर्च हो सके, इसके अलावा दोस्तों टेस्टिंग बढ़े, सर्टिफिकेशन बढ़े, उसके लिए दोस्तों फंडिंग है वो ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, उसे जो है दोस्तों जो है जो दुनिया के जो हम बोलते हैं जैसे कि फंडिंग कहीं ना कहीं से हमें जो है ऑर्गेनाइज या फिर कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट या फिर जो बड़े दोस्तों जो हमारे मेडिसिन से जुड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं उनसे इकट्ठी करनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों जो ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़े उनको एक प्लेटफॉर्म जो है मिलेगा, और अलावा बहुत सारे जो प्रोटोकॉल्स और ट्रीटमेंट हैं जो स्पेसिफिक डिसीजेस को लेकर दोस्तों उनके बेनिफिट्स हैं लोगों तक पहुंचाए जा सके। तो ये सभी जो है हमारे इसके गोल्स हैं ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के। और जामनगर, जामनगर हालांकि जो मशहूर है दोस्तों वो है रिलायंस की इंडस्ट्री के लिए, रिलायंस का जो जो सबसे बड़ा जो पेट्रोकेमिकल जो प्रोजेक्ट है वो किसी टाइम पे जो धीरूभाई अंबानी ने जामनगर में ही लगाया था। तो अब यहां पर ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की शुरुआत की है नरेंद्र मोदी जी ने, और साथ ही साथ WHO के हेड भी यहां पर आए हुए हैं, और साथ ही साथ जो है नीतीश धमता, निशा चौहान, बहुत सारे पैरेलल क्वेश्चंस मोनिका बता रहे हैं, और जो नए स्टूडेंट्स उनको ध्यान से जरूर सुनिए। दूसरी जो न्यूज होगी वो हमारी होगी दोस्तों मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड प्रॉफिट से, क्योंकि अभी रिसेंटली SBI ने इसको रिव्यू किया है दोस्तों।
ये सबसे पहले हम देख लें कि ये जो क्वेश्चन था वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये अब स्टैटिक से जुड़ा क्वेश्चन हो सकता है। जैसे कि हम बहुत सारी कभी कभार जो न्यूज में इकोनॉमिक टर्म्स आती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे हमने कुछ दिन पहले ही श्रिंक इन्फ्लेशन पढ़ा था, आपको जरूर याद होगा, कैडबरी का जो दोस्तों जो कैडबरी का जो चॉकलेट एग्जाम्पल के साथ समझाया था, वैसे ही ये जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड प्रॉफिट है दोस्तों, इसकी जो शुरुआत है 1 अप्रैल 2016 को हुई थी। अब ये है क्या दोस्तों, ये एक मिनिमम रेट है जो कि बैंक खुद डिसाइड करता है कि इससे कम पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी को लोन नहीं देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों उन्होंने बोल दिया कि यहां पर हम 7% है हमारा एमसीएलआर होगा, 6.5% हमारा एमसीएलआर होगा। इसका मतलब है कि वो किसी को भी जो लोन है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम पर नहीं देंगे। और दोस्तों ये जो एमसीएलआर है चार जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ सीआरआर, ऑपरेटिंग कॉस्ट और टेनोर प्रीमियम। दोस्तों ये चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जिस पर ये बेस्ड रहता है। और यहां पर जो है आपको एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज बता दूं कि जो एमसीएलआर की हम बात तो जरूर करते हैं कि ये जो मिनिमम रेट है जो कोई भी बैंक डिसाइड करता है, खुद डिसाइड करते हैं, लेकिन इससे भी नीचे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पर है वो लोन मिल सकता है अगर आप बैंकर हैं। दोस्तों सरकारी नौकरी की जब हम बात करते हैं, जैसे कि आप सभी हैं एचएएस अलाइड नायब तहसीलदार के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि हमने एक दो दिन पहले भी पढ़ा था कि सरकारी नौकरी के बेनिफिट्स क्या हैं। दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर आपके पास कोई फंडिंग नहीं है तो आपको इजीली जो है बैंक से लोन प्रोवाइड कर देते हैं, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। अब ऑलरेडी जो बैंक में ही काम करते हैं उनको ये फैसिलिटीज थोड़ी ज्यादा मिलेंगी। जैसे कि दोस्तों एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करूं कि अगर आप कोई भी लोन 50 लाख का ले रहे हैं दोस्तों, उसके लिए आपने 20 ईयर्स में उसे वापस करना है, तो ये जो रकम है 20 साल में लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा की हो जाएगी। लेकिन एज ए बैंकर आप लोन ले रहे हैं तो आपको जो इंटरेस्ट है दोस्तों बहुत कम लगता है। हो सकता है जहां पर किसी और को लोन के ऊपर इंटरेस्ट 50 लाख का लग रहा हो तो उनको 20-25 लाख का ही लगता है। तो ये एक जो दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं कि जैसे जो बैंकर्स हैं उनको हमेशा है इसमें छूट मिलती है, एमसीआरआर से भी उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड प्रॉफिट, और ये 1 अप्रैल 2016 को है इसकी शुरुआत हुई थी। फिर तीसरी हम बात करेंगे सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की, और यहाँ पर जो है मैं साथ ही साथ कुछ पढ़ लूं, स्टूडेंट्स कुछ लिख रहे हैं कि रेखा शर्मा इतना कैसे याद रखते हो। हाँ जी, और रेखा शर्मा जो है आप किसी और को बोल रहे हो ना, हाँ जी जिनको भी बोल रहे हो उनका नाम जरूर लिखे आप, ठीक है, और जो है मैं चाहता हूं कि उनकी तारीफ में, ठीक है, उनके नाम जरूर लिखे जाएं। और मोनिका जो है साथ साथ बहुत कुछ लिख रहे हैं, इको रैप रिपोर्ट एसबीआई, बिल्कुल विक्रम ठाकुर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था 1921 में, ठीक है, उसका नाम 1921 से पहले भी इसकी एग्जिस्टेंस थी, बैंक ऑफ बंगाल मद्रास और बॉम्बे को मिलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, और 1955 में जाके ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसका नाम पड़ा। और वेरी गुड मोनिका, फाइनेंशियल इंक्लूजन मैट्रिक्स रिपोर्ट बाय एसबीआई, और डेली अटेंडेंट क्लासेस और पीडीएफ की प्रैक्टिस, हाँ जी चलिए बहुत अच्छा बहुत उम्दा जी। तो हम बात कर रहे हैं सिखों के 9वें गुरु गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की, जो कि दोस्तों सिखों के 6ठे गुरु जिनका नाम था श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी, उनके सबसे यंगेस्ट सन थे। और दोस्तों ये श्री गुरु तेग बहादुर जी जो है बहुत बड़ी उम्र में जाके जो है इनको गुरु की उपाधि मिली थी, और उनका 400वां जो है प्रकाश पर्व है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, जिसको पूरी दुनिया में जहां पर भी सिख जो है भाईचारा रहता है वो इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी, नरेंद्र मोदी जी भी इस मौके पे दोस्तों चांदनी चौक में जो दिल जो जो रेड फोर्ट है वहां अंदर जो गुरुद्वारा साहब है वहां पर है, वो गए वहां पर उन्होंने माथा टेका दोस्तों अगर, और उन्होंने इस चीज का जिक्र भी किया अब ये, क्योंकि एक ऐतिहासिक जो है हमारा एक दोस्तों एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी है कि ये वही चांदनी चौक है जहां पर आज जो है गुरु साहब को लेकर है जो गुरुद्वारे में लंगर लगते हैं दोस्तों, उनके लिए पाठ होता है, और दोस्तों जो है लोगों को एक सद्भावना का मैसेज आता है,
इसी जो चांदनी चौक में है, 1675 में, 1675 में है वो शहीद हुए थे। और वो शहीद इसलिए हुए थे क्योंकि वो औरंगजेब से बात करने गए थे कश्मीरी पंडितों को लेकर, क्योंकि उस टाइम बहुत बड़ा जो है मास कन्वर्जन हो रहा था, और इसीलिए उन्हें हिंद की चादर भी बोलते हैं। और दोस्तों श्री गुरु तेग बहादुर जी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के हैं, पिता भी थे। तो बड़े सारे इंपॉर्टेंट हैं हमारे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हिंद की जो चादर है उन्हें बोलते हैं। वेरी गुड। और रेखा, हाँ जी, डेली जो है कफ्ती थी अटेंड, बट आजकल शादी की प्रेपरेशन में पागल हो गई हूँ। चलिए रेखा जी, शादी जी है आपकी है या आपके किसी घर में है, आपको बहुत बहुत मुबारक, लेकिन हर रोज थोड़ा बहुत है जरूर है, पढ़ते रहें। तो दोस्तों फिर जो है चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन से पहले है, आप में से किस किस स्टूडेंट ने अभी रिसेंटली जो RRR मूवी थी उसको देखा? हाँ जी, क्योंकि दोस्तों जो है बड़े मतलब बहुत ही बड़े स्तर पर है इस मूवी को बनाया गया था। अब लोग हैं इस मूवी को तो जरूर देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा, मोनिका, गुरु तेग बहादुर जी के जो लड़के थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने खालसा पंथ की साजना की थी, गुरु तेग बहादुर जी ने नहीं की थी, इसको जरूर याद रखें। हाँ जी ठीक है। तो नहीं देखी सर, तो इसको दोस्तों RRR मूवी है, जरूर देखें। अभी क्यों देखनी है? क्योंकि दोस्तों ये जो मूवी है ये बेस्ड है अल्लूरी सीतारमन राजू। अब देखिए इस फोटो को देखकर, तस्वीर को देख के आप ये तो जरूर देख रहे हैं कि ये भारतीय डाक है, भारतीय डाक की एक टिकट है वो। दोस्तों ये जो अलूरी सीतारामा राजू है इनके ऊपर ये 50 रुपये की, 50 पैसे की जो है किसी वक्त है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डाक टिकट भी जारी की हुई है। तो ये जो अलूरी सीताराम राजू है दोस्तों, जिसको कि जो है वहां की लोकल भाषा में, जो तमिल की, जो तेलुगु की लोकल भाषा में मन्यम विरुद्धी भी कहते थे। मन्यम विरुद्धी का मतलब है जंगलों का राजा, हीरो ऑफ द जंगल। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी था जिसने 1922 में दोस्तों विशाखापट्टनम के पास रामपा रिबेलियन, हाँ जी जैसे हम बोलते हैं ना कि जो दोस्तों सपोज करिए आप बात कर रहे हैं हमारे जलियांवाले बाग की, हम बात कर रहे हैं दोस्तों जो है ककोरी कांड की, हम जो बात अलग हम बात करें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, तो ऐसी ही एक जो विद्रोह हुआ था कहां पर, विशाखापट्टनम के पास दोस्तों, जो है जो कि उस टाइम पीरियड की मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ करता था। तो ये जो रैम्पा रिबेलियन है उसके ये हीरो थे। इनका जन्म पंडरंगी विलेज जो कि दोस्तों विशाखापट्टनम के पास है वहां पर हुआ था। और दोस्तों गुरीला वारफेयर है, गुरीला वारफेयर का मतलब है आपने जरूर महाराजा जो 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 शिवाजी थे उनके बारे में पढ़ा होगा, गुरीला वारफेयर के बारे में, जहां पर कि दुश्मन अगर बहुत ज्यादा ताकतवर है तो आप गुरीला वारफेयर यूज कीजिए, आप छुपकर पूरी स्ट्रेटजी के साथ है उन पर हमला कीजिए ताकि उनको संभलने का मौका ही ना मिले। तो गुरीला वारफेयर बेस्ड है। इन्होंने दोस्तों बहुत बार है वहां की जो ब्रिटिश जो जो ऑफिसर्स थे बहुतों को मार दिया और कुछ समय के लिए उस स्पेसिफिक इलाके को आजाद भी करवा लिया था। और दोस्तों बाद में लेकिन जो है ज्यादा जो है जो जो, जो साधन थे, ज्यादा जो है लोग थे अंग्रेजों के पास, ज्यादा जो हथियार थे, उस वजह से ये सप्रेस तो जरूर कर दी गई, लेकिन इनका जो नाम है वो इतिहास के जो है पन्नों में दर्ज हो गया। तो नाम याद रखिए अलूरी सीतारामा राजू, और RRR मूवी है इन्हीं के ऊपर बेस्ड है जी। और जैसे ही मैं बात कर रहा हूं, अच्छा मोनिका ने तो बड़े सारे क्वेश्चन है साथ साथ ही बता दिए हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे भारत के पहले सोलर रूफ टॉप सिस्टम की। दोस्तों तो सोलर रूफ टॉप सिस्टम की बात तो बहुत बार करते हैं, लेकिन खास बात है कि ये भारत का पहला पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब है कि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह इजिली लेके जा सकते हो। और इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल में। अक्षरधाम टेम्पल कहां पर? गांधीनगर, जो कि गुजरात की कैपिटल है। दोस्तों इसकी जो कैपेसिटी है 10 फोटोवोल्टिक पोर्ट सिस्टम के साथ दोस्तों इसको मैन्युफैक्चर किया है न्यू दिल्ली बेस्ड सर्वोटेक पावर सिस्टम ने, और डिजाइन किया है जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी ने। और दोस्तों इसको भारतीय गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जो मिनिस्ट्री है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसके तहत दोस्तों उसको वहां पर गांधीनगर में स्वामी नारायण अक्षरधाम दम्बल में उसको स्थापित किया गया है। तो पहला पोर्टेबल सोलर, कुछ दिन पहले हमने फ्लोटिंग जो है सोलर जो है दोस्तों जो सोलर प्लांट की बात की थी याद होगा, और इंडिया का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग जो सोलर टॉप है वो कहां पर स्थित है? उम्मीद करूंगा कि नीतीश या कोई और स्टूडेंट है जल्दी से इसका उत्तर भी दे देंगे। साथ ही साथ विक्रम बहुत अच्छा लिख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, गुड़गांव में है, और उसके जो चेयरमैन है अगर किसी को पता हो तो जल्दी से बता दें। और मेरे प्रश्न का उत्तर पहले ही लिखा हुआ है, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, हाँ जी ठीक है, हाँ जी। तो जो दोस्तों वेरी गुड,
और शीतल शर्मा है, हर रोज पढ़ते रहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक हम बात करेंगे ना तहसीलदार के लिए, तो मार्च तक के करंट अफेयर दोस्तों काफी हैं, मार्च के एंड तक या अप्रैल आप 10 तक है मैक्सिमम उसे पढ़ सकते हैं। वेरी गुड। हाँ जी, निशा ने और जल्दी से बता दिया कि जो है अब कोणार्क का जो मंदिर है, सूर्य मंदिर, वो भी सोलर एनर्जी के ऊपर चलने लगा है। वेरी गुड। अजय माथुर अभी उस आईएसए के चेयरमैन हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों नेक्सो की। तो आपने सबने नाम सुना होगा, ठीक है दोस्तों, नेक्सो का नहीं, आपने सबने नाम सुना होगा मास्टर कार्ड का। ये मास्टर कार्ड है, वीजा है, आपके पास जो भी डेबिट कार्ड होगा उसके ऊपर दोस्तों, खास तौर पे हम देखते हैं भारत में मैक्सिमम बैंकों के साथ मास्टर कार्ड और वीजा, ये अमेरिकन कंपनीज हैं, इनका टाइप है। अब तो भारत की भी जो एनपीसीआई की कंपनी है रुपया के कार्ड आने लगे हैं दोस्तों, ये फैसिलिटीज देती है हमें डेबिट की, क्रेडिट की। अब वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में भी होने लगा है। तो लंदन बेस्ड दोस्तों ये एक कंपनी है नेक्सो, इसने क्रिप्टो करेंसी की ये लेंडर है, हैज ज्वाइंड हैंड्स विद ग्लोबल पेमेंट कंपनी मास्टर कार्ड टू लॉन्च द वर्ल्ड दुनिया का पहला क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड। दोस्तों अब अपने कार्ड से जो पेमेंट है जो क्रिप्टो करेंसी की भी कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मनी फर्म डी पॉकेट इज नेक्सो कार्ड इशू। और ये जो दोस्तों नेक्सो जो है, ये जो है इस फैसिलिटी को है मास्टर कार्ड के साथ मिलकर है प्रोवाइड कर रही है। द कार्ड रिक्वायर्स नो मिनिमम रीपेमेंट्स मंथली और इनएक्टिविटी फीस, इसमें कोई किसी तरह की कंडीशन नहीं दी गई है दोस्तों। देर आर नो जो एफएक्स फीस फॉर अप टू 20,000 यूरोस पर मंथ, और दोस्तों एक मिनिमम अमाउंट है दे दिया है 30,000 यूरोस तक। अब देखो वो डिपेंड करेगा, भारत में अलग होगा क्योंकि अब फिलहाल तो इसको जो है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर पे डॉलर के कंपैरिजन ही ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि भारत में भी इसको जल्दी से है आप है ले आए, और जब भारत में भी इस तरह का जो कार्ड है जो है आ सकता है। तो यहां पर सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब हम किसी भी जो है एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वहां पर हमारे बहुत सारे मकसद हैं कि हम अपना जो ओहदा है जिंदगी में, पोजीशन है, उसको भी अच्छी हासिल करें। बड़े सारे फैक्टर, उनमें से एक फैक्टर हमेशा इकोनॉमिकल भी हमेशा रहता है दोस्तों। अगर आपको जानकर शायद बड़ी हैरानी होगी कई सारे स्टूडेंट्स को, और यहाँ पर शायद कुछ स्टूडेंट्स को अगर पता हो, तो आज से 10 साल पहले जो है दोस्तों ये जो क्रिप्टो करेंसी थी उसका जो स्पेसिफिक मैं अगर बात करूं बिटकॉइन की, क्रिप्टो बिटकॉइन भी एक एग्जाम्पल है जिन बच्चों को नहीं पता क्रिप्टो करेंसी का। दोस्तों एक वर्चुअल करेंसी होती है जिसको आप हाथ से नहीं टच कर सकते, जैसे अगर आपके पास 10 का नोट है जो आरबीआई ने इशू किया है, 20 का नोट है, ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल वर्चुअल जो है करेंसी है। और 10-12 साल पहले दोस्तों आप जो है ऑनलाइन इसको जो है बिल्कुल फ्री के जो है मोल भाव कर सकते थे, फ्री में ही ये मिला करती थी, इसका कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं होता था। तो आज जो है अभी इसकी कॉस्ट मुझे लगता है 26 लाख का है, और किसी टाइम पीरियड में ये 50 लाख तक पहुंच गया था 1-1.5 साल पहले तक। मान लीजिए अगर आपने 10-12 बिटकॉइंस दोस्तों वैसे ही ले लिए होते कहीं से 10 साल पहले, तो आज लगभग 25-30 लाख की जो कीमत है तो आज आप 2.5-3 करोड़ के मालिक होते। तो दोस्तों कभी कभार ये जो फाइनेंशियल जो लिटरेसी है इसे पढ़ना बड़ा जरूरी है, इसको अंडरस्टैंड, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी जिंदगी के जो मोटिव है उनमें से एक मोटिव फाइनेंशियली अपने आप को बेटर करना भी जरूर होता है। तो जैसे हम कल परसों भी बात कर रहे थे जैसे हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, वैसे दोस्तों फाइनेंशियल लिटरेसी होना भी बहुत जरूरी है। और इसके लिए लगातार इन करंट अफेयर्स में तो मैं कोशिश करता ही करता हूं कि इस तरह के जो नए उत्पाद हैं उनके बारे में बता सकूं, लेकिन साथ ही साथ आप न्यूज़पेपर्स के साथ दोस्तों या फिर जो भी इस तरह की जब न्यूज है जब आप पढ़ते हैं, जैसे कि बहुत अच्छे चैनल्स हैं, बहुत सारे बिजनेस चैनल्स हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा जरूर रीड आउट करें, क्योंकि जिंदगी का मोटिव दोस्तों जो है उनके जो बड़े मोटिव उनमें से एक मोटिव हमारा फाइनेंशियल अपने आप को इंडिपेंडेंट करना भी है। स्पेशली लड़कियां, लड़कियों को तो जरूर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि उससे दोस्तों जो है हमेशा जो है उनको कॉन्फिडेंस रहेगा, और दोस्तों वो जिंदगी में कुछ मुझे लगता है कि जितनी उनमें कैपेबिलिटी है उतना भी कर पाए तो वो बहुत कुछ है दोस्तों, लड़कों के कंपैरिजन ज्यादा कर जाएंगी। तो चलते हैं हमारे नेक्सो से अगले क्वेश्चन की तरफ, और उससे पहले साथ साथ ये जो लिख रहे हैं कुछ विजय कुमार, क्रिप्टो करेंसी इज टैक्सेबल, बिल्कुल 30% भारत में भी अब ये हो चुकी है टैक्सेबल, और एक बिटकॉइन वाज जो है 10,000 से इन 2010, हाँ जी, बट नाउ इट्स टचिंग 35 लाख। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से जुड़ा हुआ दोस्तों, और साथ ही साथ नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, इन्होंने दोस्तों दोनों ने मिलकर
एक नई जो स्पीसीज है श्रिम्प की। अब श्रिम्प आप देख लीजिए, ये जो है दोस्तों जो मकड़ी टाइप एक जो दोस्तों आप बोल सकते हैं, तो ये जो श्रिम्प है इसकी एक नई किस्म है इन्होंने जो डिस्कवर की है, जिसका नाम रखा है एक्टिमेनास्कोयास। मैं रिपीट करता हूं, नाम इसका एक्टिनीमेनास्कोयास दोस्तों। और ये जो नाम इसका जो है इसलिए रखा है क्योंकि दोस्तों ये लक्षद्वीप में है, इसको फाइंड आउट किया गया है अरेबियन सी में, और वहां की जो दोस्तों एक लोकल कम्युनिटी है कोयास उसके ऊपर बेस्ड है, उनको ऑनर करने के लिए ये जो नाम है कोयास एक्टिनीमेनास्कोयास है ये रखा गया है। और ये जो नई श्रिम्प स्पीसीज है और जो है ये कहां पर लक्षद्वीप में इसको फाइंड आउट किया गया है। फिर उसके बाद जो है हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स की, वर्ल्ड हेरिटेज की तरह ये भी अप्रैल 18 को ही हर साल है, हर जो है दोस्तों इसको सेलिब्रेट किया जाता है, यूनेस्को द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका मकसद दुनिया में जितने भी मॉन्यूमेंट्स और साइट्स हैं, जैसे भारत में ही देख लीजिए यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं दोस्तों। यहां पर मैं कुछ स्टूडेंट्स को कुछ बोलना चाहूंगा, दो तीन दिन पहले जब हम पढ़ रहे थे आपने मुझे 48 बोल दिया दोस्तों। एक्चुअल में यूनेस्को के जो ये हमारे टेंजिबल हेरिटेज साइट्स हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल, ये टोटल 40 हैं जहां तक मुझे याद आ रहा है। तीन चार दिन पहले बात हुई थी तो स्टूडेंट्स ने 48 बोल दिया था, याद रखें 40 हैं। और इस साल का जो थीम है दैट इज द कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। और आज की जो लास्ट न्यूज है वो है हमारी पंचायती राज सिस्टम से दोस्तों। जम्मू कश्मीर के जो रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज जो सिस्टम है उन्होंने एक ऐप लॉन्च की है जन निगरानी। अब इस ऐप से सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि रिसेंटली हमने 3-4 महीने में जो भी रेलवे पुलिस फोर्स से जुड़े जो ऐप्स जो पोर्टल्स की हमने जानकारी डिस्कस की है, उन सभी पोर्टल्स के ऐप्स के नाम मुझे बता दें। अब मैं क्यों बोल रहा हूं वो आप अभी समझ जाएंगे, क्योंकि ये जो जन निगरानी हेल्प है दोस्तों, ये जो ऐप है जो वहां की जम्मू कश्मीर की पंचायती राज डिपार्टमेंट ने किया है, ताकि दोस्तों जो लोगों का सामान गुम हो जाता है ठीक है, उससे जुड़ी हुई जो कंप्लेंट्स हैं उनको इस ऐप के ऊपर आप रजिस्टर कर पाए। और वो इजीली है, आपको सामान जो भी आपका गुम हुआ है, अब वहां घूमने गए हैं, अब वहां वैष्णो देवी गए हैं, तो वो आपको इजीली मिल सके। तो इस ऐप का नाम है जन निगरानी, जम्मू कश्मीर से जुड़ा। आज एक और भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वन लाइनर्स में है, वो भी है आप जरूर है जो है याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूरल पंचायती दिवस 24 अप्रैल से जुड़ा है और ये सारी की सारी आरपीएफ से जुड़ी जो ऐप्स हैं, कवच वेरी गुड, आहट वेरी गुड, रेल मदद वेरी गुड, आहट वेरी गुड बहुत अच्छा बहुत उम्दा, हाँ जी ठीक है, रेल सहयोग बहुत अच्छा, उपलब्ध पोर्टल वेरी गुड स्टूडेंट्स ठीक है, सभी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर को है। मैं बधाई देता हूँ मोनिका, प्रदीप, दीक्षा, सपना, मोनिका, सोनिया और पूर्वा शर्मा जिनको अमानत, वेरी गुड सोनिया। और यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स को नहीं भी पता था तो ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान से इनको नोट आउट कर लीजिए दोस्तों। ये है आज के न्यूज, ये है आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अब इनसे जुड़े हम एमसीक्यूज करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, आप दोस्तों 4 क्वेश्चन में से एक का सही टिक करेंगे और उम्मीद करूंगा कि उससे और भी जो बहुत सारी जानकारियां हैं वो मैं आपसे साझा करने की कोशिश करूंगा। तो उससे पहले मैं उम्मीद करूंगा कि यहां तक का सेशन आपको समझ जरूर आ गया होगा, डाउट है कोई किसी तरह का तो 10-15 सेकंड का समय है, आप बोल सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ सेशन को एक बार शेयर और इसे लाइक भी जरूर कर दें, हाँ जी ठीक है। तो वेरी गुड, जो है साथ ही साथ है उत्तर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है ई दृष्टि पोर्टल, हाँ जी ई दृष्टि पोर्टल, मोनिका ये तो मुझे भी याद नहीं है, ई दृष्टि पोर्टल किससे जुड़ा है ये भी जल्दी से बता सकते हो आप। और शिल्पा ठाकुर वेरी गुड, अभिषेक क्लियर ठीक है, तो 5-7 स्टूडेंट्स का आ जाए और फिर जो है हम अपने एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं, हाँ जी। तो यहाँ पर जो है मोनिका ई दृष्टि टू ट्रैक पंचुअलिटी, ओके ओके मोनिका, तो फिर जो है वो पंचुअलिटी से जुड़ा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन, हाँ जी पहला क्वेश्चन जुड़ा है हमारे जीसीटीएम से, ट्रेडिशनल मेडिसिन से दोस्तों। यहां पर जो ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़ा है इसमें ज्ञान होगा, स्किल्स होगी, प्रैक्टिस बेस्ड थ्योरीज बिलीव्स और दोस्तों अलग तरह के जो कल्चर्स हैं उन सभी को है इन ट्रेडिशनल मेडिसिन में है, इनकी तैयारी में है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में है, यूज किया जाएगा। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर है दोस्तों ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, ये जामनगर में जो जिसकी शुरुआत हुई है, ये अकेला जो है दुनिया में ऐसा सेंटर है जो कि पूरी तरह से ट्रेडिशनल मेडिसिन को डेडिकेटेड है ठीक है। तो वैसे तो दोस्तों ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करें चाइना में भी बहुत सारी ट्रेडिशनल मेडिसिन वो बिकती हैं, उनका भी बहुत बड़ा कारोबार है, लेकिन शुरुआत है इसकी अभी फिलहाल भारत से हुई है। तो जल्दी से बताएं पहला पॉइंट ठीक, दूसरा ठीक, दोनों ठीक या दोनों गलत। तो यहां पर दोस्तों दोनों ही पॉइंट्स हैं हमारी जीसीटीएम से जुड़े हुए बिल्कुल ठीक है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इस टाइम प्रेसिडेंट कौन है, साथ साथ इन दो प्रश्नों का उत्तर भी आप मुझे दे सकते हैं अगर आपको पता है तो। और मैं जो चलता हूं, अब मैं दूसरे प्रश्न की तरफ चलता हूं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे MCLR से, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट से। हाँ जी, मानसी ने तो जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताने शुरू कर ही दिए, विक्रम ने है बता दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रेसिडेंट हेड है दैट इज द टेड्रोस, वेरी गुड। दोस्तों मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, दोस्तों ये 12 जो है कंपोनेंट्स के ऊपर है जो कैलकुलेट किया जाता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ जो फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। और दोस्तों ये लोएस्ट इंटरेस्ट रेट होते हैं जहां जो है बैंक लोन्स के लिए ऑफर करते हैं, कि इससे नीचे वो किसी को लोन, एक्सेप्शन था मैंने बताया था बैंकर इससे नीचे और किसी को लोन नहीं देते। तो यहां पर पहला पॉइंट ठीक, दूसरा ठीक, दोनों ठीक या दोनों गलत? हाँ जी, इसके साथ ही साथ है पुराना क्वेश्चन है, उत्तर आ रहे हैं। टेड्रोस जो है गर्मी से उनका नाम है, और जो वहां की जो मुख्यमंत्री है जी भूपेंद्र, हाँ जी भूपेंद्र सिंह पटेल, जो भूपेंद्र पटेल उनका नाम है। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ दूसरा पॉइंट है वो ठीक है, क्योंकि ये 12 नहीं, ऑलरेडी शुरुआत में भी पढ़ा था, सिर्फ 4 कंपोनेंट्स के ऊपर ये डिपेंडेंट रहता है, जहां पर ये कोई भी बैंक है अपना MCLR उसे डिसाइड करेगा। फिर उसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन, इनमें से कौन से सिख गुरु को है हिंद की चादर कहा जाता है? दोस्तों अगर इसी के साथ साथ आप मुझे जो है किस जो 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 सिख गुरु को है सेंट सोल्जर, जिसे हम जो हिंदी में बोल सकते हैं संत सिपाही कहा जाता है, दोस्तों वो भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और हिंद की चादर है, इनमें से कौन से गुरु को बोलते हैं गुरु नानक देव जी? अब ये जो गुरु है, क्योंकि उनकी 400वां जो प्रकाश पर्व है उसकी वजह से दोस्तों है आजकल जो है न्यूज में है, और मुझे लगता है कि लोगों के दिलों में है, क्योंकि बहुत बड़ी कुर्बानी की थी हमारी 17वीं शताब्दी में है गुरु तेग बहादुर जी ने। दोस्तों बी इज द करेक्ट आंसर। और संत सिपाही की बात करें, जो सेंट सोल्जर्स की बात करें, तो ये कहा जाता था उनके जो है लड़के दोस्तों सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु हर गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी को दोस्तों, और उनको जो है सेंट सोल्जर बोलते थे। वेरी गुड, प्रोटेक्टर ऑफ द ह्यूमैनिटी, वेरी गुड दीक्षा चौहान, प्रोटेक्टर ऑफ द ह्यूमैनिटी भी इन्हें बोलते थे। हाँ जी, हर गोविंद नहीं, श्री गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें गुरु थे वो सेंट सोल्जर थे, ध्यान रखिए। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि दोस्तों इनमें से कौन सी जो रिवोल्ट है वो अलूरी सीतारामा राजू से जुड़ी हुई है? ये जो रिवोल्ट है 1922 से 1924 के टाइम पीरियड में दोस्तों मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंटी के विशाखापट्टनम के आसपास हुई थी, गोदावरी नदी के आसपास हुई थी। और ये जो अलूरी सीताराम राजू अभी रिसेंटली इस रिवोल्ट के बेस्ड है दोस्तों, जो RRR मूवी है वो भी बन के आई है, तो उसको भी जरूर देखिए, उनको भी जो है जब भी टाइम लगे एग्जाम के बाद उसे जरूर देखें। इसका सही उत्तर है रामपा रिवोल्ट दोस्तों, तो डी इज द करेक्ट आंसर। रामपा जो रिवोल्ट है ये अलूरी सीतारामा राजू से जुड़ी हुई है। फिर उसके बाद इसको हीरो ऑफ द जंगल्स भी बोलते थे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर पांचवा क्वेश्चन, भारत का पहला सोलर रूफटॉप सिस्टम, यहां पर जल्दी से बोल दूं, पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम है, कहां पर उसकी शुरुआत की गई है? गांधीनगर, कल हमने गांधीनगर का एक और प्रश्न पढ़ा था वन लाइनर्स में, अगर आपको याद है तो जल्दी से बोल सकते हैं, न्यू दिल्ली, जयपुर या फिर मुंबई। तो दोस्तों भारत का पहला रूफटॉप सोलर रूफटॉप सिस्टम है, जैसे कि सभी स्टूडेंट्स हैं लिख रहे हैं, गांधीनगर में है, जो जो गुजरात का कैपिटल है वहां पर है दोस्तों, इसको जो है इनोग्रेट किया गया है। और साथ ही साथ जो है कल जो प्रश्न पढ़ा था, गांधीनगर में जो है किसी चीज का अनावरण किया था, और किस चीज का दोस्तों, वहां पर एक समिट हुई थी, किस चीज के ऊपर समिट थी? आयुष जो है थेरेपी बेस्ड ये समिट थी, जहां पर जो है नरेंद्र मोदी जी ने इसका अनावरण किया था, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। फिर उसके बाद दुनिया में पहली बार है दोस्तों क्रिप्टो बैंक पेमेंट कार्ड, जहां पर आप क्रिप्टो की जो पेमेंट्स हैं कार्ड से कर पाएंगे, तो ये जो फैसिलिटीज है दोस्तों, कौन सा जो कार्ड है, कौन सी कंपनी है ये प्रोवाइड करने जा रही है? क्रिप्टो कार्ड, FI कार्ड, नेक्सो कार्ड या बिट कार्ड? और ये जो कंपनी है दोस्तों, ये दुनिया की कौन सी जो है जो जो पेमेंट कार्ड से जुड़ी कंपनी के साथ इसका टाइप हुआ है, और उसका उत्तर भी साथ साथ जरूर दे दें। और इसका उत्तर है लगभग सभी बच्चों ने दे चुके हैं, नेक्सो कार्ड इज द करेक्ट आंसर। जोगिंदर, भारत भूषण, विजय, निशा, कोमल, सोनिया, देविका, बहुत अच्छा। और हम जो बात कर रहे हैं, वेरी गुड राहुल, मास्टर कार्ड की, तो मास्टर कार्ड के साथ है रिसेंटली इसका टाइप हुआ है। फिर एक्टिमेना स्कोयास जो है रिसेंटली ये जो डिस्कवर हुआ है, जो स्पीसीज है ये किस चीज की जो है दोस्तों, जो है जो स्पीसीज है, फ्रॉग की स्पीसीज है,
ट्यूलिप्स की, श्रिम्प की या गीको लिजार्ड की। अगर मैं गीको लिजार्ड की बात करूं, ये तो अपने आप में नाम ही लिख दिया लिजार्ड यहाँ पर, और बड़े सारे स्टूडेंट्स हर दूसरे दिन मेघालय का नाम जब भी आता है तो इसका नाम जरूर लिखते हैं। और यहाँ पर जो है वेरी गुड नीतीश, जो फाइनेंशियल लिटरेसी से जुड़ा है एक प्रोजेक्ट किराना जो कि उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। और यहाँ पर जो है सही उत्तर है दैट इज द श्रिम्प की, ये जो नई स्पीसीज है। और लक्षद्वीप में इसको फाइंड आउट किया गया है दोस्तों, ICAR ने है इसको फाइंड आउट किया है। वेरी गुड मानसी। फिर उसके बाद आठवां क्वेश्चन, ये जुड़ा है दोस्तों हेरिटेज साइट से। अभी फिलहाल जो है 3691 3691 मॉन्यूमेंट्स हैं दोस्तों भारत में जिनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो प्रोटेक्ट करता है, और सबसे ज्यादा यूपी में है। अब इन मॉन्यूमेंट से जुड़ा प्रश्न क्यों आया, क्योंकि इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट्स एंड कल्चर डे है दोस्तों, हर साल हेरिटेज डे वाले ही दिन 18 अप्रैल के ही दिन है उसको ऑब्जर्व सेलिब्रेट किया जाता है। और दोस्तों ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत है। यहाँ पर मुझे स्टूडेंट्स ये भी बता सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना है भारत में कब हुई थी और कौन से गवर्नर जनरल ने की थी या फिर कौन से वायसराय ने की थी। और फिलहाल भारत में यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनकी जो गिनती है वो 41 है। 41 साइट्स ऑफ इंडिया इंस्क्रिप्ट इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। जल्दी से बोल दें, पहला पॉइंट ठीक, दूसरा ठीक, दोनों ठीक या दोनों गलत? यहाँ पर भारत भूषण के क्वेश्चन से लग रहा है कि दूसरा तो बिल्कुल गलत लग रहा है, ये 40 साइट्स हैं ना कि 41। पहला पॉइंट भी जल्दी से बोल सकते हैं। और PLU पठानिया भी आ चुके हैं जी, गुड इवनिंग, थोड़ा लेट आए, थोड़ा जल्दी से जरूर आया करें। और ASI की स्थापना जो है 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने की थी। जो है आपने ईयर तो बिल्कुल सही बता दिया शिल्पा और जो है निशा, लेकिन जो है लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड भी जरूर पता हो। भारत का आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का पहला वायसराय जो 1862 तक है रहा, तो उसके टाइम पीरियड में हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में। और यहां पर देखें फिर से, और फिर पहला पॉइंट ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें बिल्कुल ही गलत है जी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे नौवें क्वेश्चन की, जन निगरानी ऐप दोस्तों, जो कि किसी भी तरह का दोस्तों जो ग्रीवियंस है जो 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 स्टेट से जुड़ा हुआ, ठीक है, तो वो आप है अपनी जो शिकायतें हैं यहाँ पर लेके आ सकते हैं, स्पेशली अगर आपके किसी लॉज से जुड़ी जो शिकायत हो। तो जन निगरानी ऐप है कौन से स्टेट ने है शुरुआत की है, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा या जम्मू एंड कश्मीर। पंजाब की अगर मैं बात करूं, ठीक है, पंजाब से जुड़ा कोई भी प्रश्न अगर आपको आता है जरूर बोल दें, दिल्ली से, हरियाणा से, जम्मू कश्मीर, इन स्टेट से जुड़ा कोई भी प्रश्न अगर आपको माइंड में आ रहा है तो इसका जो सही उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर, जो कि दोस्तों यहाँ पर जो है यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, और जो है यहाँ पर जो है फिलहाल जन निगरानी ऐप है, वहां की पंचायती राज जो डिपार्टमेंट ने इसकी शुरुआत की है। यहाँ पर जो है हम बात करें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, तो शेरा मास्कोट ऑफ इलेक्शन इन पंजाब, और एप्पल जो है दोस्तों जो है नंबर वन है J&K, ऑपरेशन रेड रोज जो है पंजाब, और डॉक्टर मोनिका ऑपरेशन रेड रोज क्या है ये भी जल्दी से बताएं। और इसके अलावा जो है 300 यूनिट फ्री कर दिए नीतीश क्षमता वहां पर, अनएम्प्लॉयमेंट रैंक वन हरियाणा, और शेरा मास्कोट, हाँ जी, यहाँ पर प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, हाँ जी, किसको मिला था जल्दी से बोल दें, कौन सी जो है इंडियन नेवल शिप को मिला था ये। और इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन पंजाब, वेरी गुड, कंछोद जो फेस्टिवल है जम्मू कश्मीर, फर्स्ट वॉइस ऑफ इंडिया इज लॉर्ड कैनिंग, हम उसी की बात कर रहे थे विजय कुमार, हाँ जी, 1856 से 1862 था जो, हाँ जी, फिर INS वलसूरा, वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स, हाँ जी, ठीक है, सेशन शेयर लाइक भी करते रहो साथ साथ, हाँ जी, ठीक है, सिर्फ उत्तर ही नहीं देने आपको, इसका उत्तर आपको लगेगा पता होगा दोस्तों। इसके साथ पहला सेक्शन खत्म हो रहा है हमारा, ठीक है, और यहां तक सब कुछ अच्छे से समझ आ ही गया होगा इसकी उम्मीद रख सकता हूं या नहीं रख सकता हूं, मुझे यस या नो करके जल्दी से बता दें। और इसके बाद आज काफी सारे हमारे अदर इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी हैं उनकी तरफ चलते हैं। ई वेस्ट, इंडिया का पहला जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पार्क दिल्ली में, वेरी गुड, हाँ जी, और रफोल बेस्ड इन अंबाला, हाँ जी, बलसूरा, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, हाँ जी, बहुत ही उम्दा दोस्तों, जो है बहुत अच्छा, 3 बजे का जो सेशन है उसको भी लगा रहे होंगे, और आज विनय सर आपसे बात भी कर रहे थे, तैयारी का जो लेवल है, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और मुझे लगता है इस वजह से इस बार जो मेरिट है दोस्तों वो भी बहुत अच्छी जाने वाली है। तो अपना तैयारी है उसको अच्छे से है आप कर लें। और MCLR की बात कर रहे थे निशा चौहान, बैंक इसे डिसाइड करता है, याद रखें। दूसरा पॉइंट होता क्या है,
दोस्तों जो बैंक लोन देता है किसी भी जो है स्पेसिफिक एक्स वाई जेड रीजन के लिए, घर के लिए या किसी भी जो है आपकी शादी के लिए, दोस्तों जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसके लिए एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको डिसाइड करना पड़ता है कि वो आरबीआई को बोलता है, लोगों को बोलता है कि हम इससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर किसी को लोन नहीं देंगे। क्योंकि दोस्तों अगर वो मान लीजिए एमसीआरआर नहीं डिसाइड करेंगे तो बैंकों में कंपटीशन इतना हो सकता है किसी समय पे कि कोई बैंक कहेगा हम 5%, फिर दूसरा करेगा 4, फिर 3, ये एक रैट रेस ना हो जाए। उस वजह से इसे डिसाइड करना, इसे डिक्लेयर करना बैंकों के लिए बड़ा जरूरी है। हाँ जी ठीक है, तो आई होप सो निशा आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो है साथ साथ उत्तर बहुत आ रहे हैं मोनिका के, विक्रम के, ठीक है, देव सिंह जो उत्तर नहीं दे रहे ध्यान से इनके प्रश्न है साथ साथ जरूर देखते रहेंगे, कमेंट्स जरूर देखते रहेंगे जी। चलते हैं वादर इंपॉर्टेंट वनलाइनर्स में। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों रशिया और यूक्रेन के युद्ध की। ये जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है अब फिलहाल तो इसके खत्म होने की जो आशंका बड़ी कम लग रही है और दोबारा से हमें अपनी भारत की शेयर मार्केट पर इसका असर दिखना भी शुरू हो गया। तो अब दोस्तों रशिया का एक वॉरशिप है जिसका नाम है मोस्क्वा, मैं फिर रिपीट करता हूं मोस्क्वा इसका नाम है। और ऐसी कुछ खबरें हैं कि दोस्तों ब्लैक सी में है ये, वहां पर तैनात था और जो यूक्रेन ने है दावा किया है दोस्तों वहां की जो कैपिटल कीव, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना दिल्ली डिक्लेयर्स, तो कीव कीव जो उनकी कैपिटल उन्होंने कहा है, उनकी सरकार ने कहा है कि दोस्तों उनके द्वारा जो है जो मिसाइल्स दागी गई हैं और उन मिसाइल्स से है दोस्तों इसको पूरी तरह से इस शिप को जिसका नाम मोस्क्वा है जिसमें 510 लोग हैं दोस्तों क्रू के तौर पे काम करते थे, इसको पूरी तरह से है यूक्रेन ने वो तहस नहस कर दिया। हालांकि रशिया ने इसका खंडन किया है लेकिन उसने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो मौसम की वजह से है इसके ऊपर दोस्तों ये जो जो जो, जो तहस नहस हुआ है, लेकिन फिलहाल जो यूक्रेन कह रहा है कि हमारी मिसाइल्स की वजह से इसको पूरी तरह से हमने तबाह कर दिया। याद रखिए मोस्क्वा ये रशिया का वॉरशिप है, अगर आपको इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन आए तो। दूसरा क्वेश्चन कर्नाटका ने दोस्तों रोबिन उथप्पा, आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो जरूर आपको पता होगा क्रिकेटर हैं और फिलहाल चेन्नई की तरफ से खेलते हैं, तो कर्नाटका ने इन्हें ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के लिए दोस्तों अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया है। ब्रेन हेल्थ से जुड़ी जो भी बीमारियां हैं उनके बारे में लोग अवेयर हों, उनका सही समय पर इलाज हो सके, उसके लिए इन्होंने अब रोबिन उथप्पा को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया है। साथ ही साथ अगर हम कुछ और ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों दैट इज द तनिष्का कोटिया एंड रिधिमा कोटिया। फिर इसके अलावा हम बात करें ऋषभ पंत जो है डिश टीवी, और हम बात करें थे उत्तराखंड की भी, और कुछ और प्राइवेट कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर यहां लिखे हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये जरूर रखें ये, क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट का ब्रांड एम्बेसडर है रोबिन उथप्पा, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है जी। फिर चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, और मैं साथ ही साथ तीसरे प्रश्न से पहले सभी स्टूडेंट से एक और पूछना चाहूंगा कि ये जो स्टूडेंट्स पैरेलली बहुत सारे क्वेश्चंस लिख रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं उनको भी ध्यान से सुन रहे हैं, या फिर एक रेस लग गई है सभी में कि भाई सर जो बोल रहे हैं पैरेलली क्वेश्चन सबसे ज्यादा बताएं तभी हमारा नाम है सर लेंगे और फिर जो है सभी लोगों को लगेगा हम इंटेलिजेंट हैं, ऐसा कुछ तो नहीं ना चल रहा जी, ऐसी कोई रेड रेस तो नहीं ना चल रही, ये जरूर है। अगर चल रही है तो दोस्तों इस रेड रेस से निकल गए, ध्यान से सुनते भी रहिए, अगर आता है तो उसको लिखते भी रहिए, और जो है लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी ठीक है, तो वेरी गुड शिल्पा ठीक है, तो मुझे कभी कभी लगता है इतना कुछ लिख दिया आज, तो वैसे तो हर रोज बहुत कुछ लिखते हैं लेकिन इतना ज्यादा कुछ लिख दिया आपने तो मुझे भी जो है आज बड़ी हैरानी हो रही है, इतने सारे क्वेश्चंस हैं अब आप लिखने लग गए हो ठीक है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जैसे मेरी दिल से एक कामना थी, मैंने पहले बोला था कि ऐसा हो कि आप नायब तहसीलदार के एग्जाम में बैठें और वहां पर दोस्तों जो है चार ऑप्शंस को देखे बिना ही आपको उत्तर आना चाहिए, और फिर जो है आपको जो हर रोज आप 6:15 बजे मेरे से मिलते हैं तो जरूर है क्लास की याद आए, एक खुशी आए और जो है दोस्तों आपके क्वेश्चन ठीक होते रहें, यही कामना है। और मानसी कह रहे हैं कि सुनते हैं सर अच्छे से, आपने इतना कुछ पढ़ा दिया कि याद आ जाता है, चलो बहुत अच्छा, याद आना भी चाहिए। हाँ जी ठीक है, नहीं याद आया तो फिर जो है गलत बात है। तो चलते दोस्तों अगली क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन से, और दोस्तों इसका शॉर्ट फॉर्म है आईपीजी है। और दोस्तों सबसे पहले ये बात करें भारत में जो है ये जो आईपीजी है, भारत में जो पल्सेस है दाल है और जो ग्रेन इंडस्ट्री है दोस्तों उसको लेकर है ये पूरा एक नियंत्रण करता है, और ये भारत की गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके चेयरमैन के तौर पे विमल कोठारी जी को नियुक्त किया गया है। प्रश्न कोई ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे नहीं लग रहा,
लेकिन रीड आउट कर लीजिए, और साथ ही साथ आपको पिछली जितनी भी अपॉइंटमेंट याद है माइंड में है ले आइए, ताकि आपकी रिवीजन है जल्दी से हो जाए। और यहाँ पर जो है विक्रम जो है ठाकुर जो है लिख रहे हैं कुछ, और मोनिका हाँ जी चलिए बहुत अच्छा, वीट एक्सपोर्ट टू इजिप्ट, वेरी गुड मोनिका, ठीक है, और साथ साथ उत्तर तो देते ही रहिए। तो उसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज कृपान शक्ति की, नाम रिपीट कर देता हूं, कृपान शक्ति दोस्तों, ये एक इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज थी जिसको रिसेंटली भारतीय सेना ने दोस्तों भारतीय सेना की त्रिशक्ति कॉप्स ने है वेस्ट बंगाल की दोस्तों जो सिलीगुड़ी का जो इलाका है वहां पर तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में है ये एक्सरसाइज की या, और दोस्तों भारत की आर्मी के साथ साथ जो सीएपीएफ थी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है इसके लिए भी इन्होंने यहां पर जो है मिलकर ये एक्सरसाइज की, नाम याद रखें कृपान शक्ति, इंडियन आर्मी और सीएपीएफ। यहाँ पर सभी स्टूडेंट से मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, ठीक है, साथ साथ उत्तर तो दे ही रहे हैं दोस्तों। अब आपके एग्जाम्स की तैयारी बड़ी अच्छी चल रही है, 2022 में जितने भी एग्जाम्स आएंगे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को जो बाद में ऑफलाइन देख रहे हैं चाहे वो ऑनलाइन देख रहे हैं सभी स्टूडेंट्स को एक बात जरूर बोलना चाहूंगा दोस्तों, एग्जाम सारे फिल करें, एग्जाम सारे दें, ठीक है, चाहे वो सीएपीएफ का हो चाहे वो यूपीएससी का हो, और यूपीएससी का एग्जाम इस साल का तो दोस्तों अगर जिन्होंने नहीं फेल किया अब दोबारा तो नहीं फेल कर सकते, लेकिन जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं सारे के सारे आपको फेल करने हैं, और जो है डेडिकेटेड आप रहिए, जो भी एग्जाम के लिए आप डेडिकेशन है नायब के लिए एचएस के लिए, लेकिन एग्जाम सारे फेल करिए और उनको देना भी जरूर है, ठीक है। तो ये सीएपीएफ बहुत अच्छा एग्जाम है दोस्तों, आप जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस में है डायरेक्ट डीएसपी की पोस्ट पे जाते हैं, और बहुत बार बहुत कैपेबल स्टूडेंट्स जो है बहुत कम एग्जाम्स देने की वजह से कुछ लिमिटेड एग्जाम्स देने की वजह से ही पीछे रह जाते हैं। तो अवेयरनेस दोस्तों करंट अफेयर के साथ साथ मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जो स्टूडेंट्स हैं कोर एरियाज में रहते हैं या फिर दोस्तों इतना जो है आपको अपनी जो है एक तरह से उतना अवेयरनेस नहीं मिल पाता, और दोस्तों वो अवेयरनेस मिलेगा जरूर, लेकिन कभी कभी होता है कि जिंदगी में अवेयरनेस तब मिलता है जब उसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। तो समय पे है अगर आपको सही अवेयरनेस और दोस्तों मौका मिल जाए तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा युवा नहीं है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो जिंदगी में कुछ अचीव ना कर पाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सही समय पे सही निर्णय, और ये जो बात है आप जो है लिख लीजिए कि सारे एग्जाम्स हैं आपको फिल करने हैं, चाहे आप जो है डेडिकेटेड है कुछ के लिए ही रहिए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों डॉक्टर अम्बेडकर की, डॉक्टर अम्बेडकर की इस बार जो है बर्थ एनिवर्सरी पे राजेश तलवार ने है दोस्तों किताब लिखी है, उसका नाम है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन ए प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स। इससे पहले राजेश तलवार सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के ऊपर भी काफी किताबें लिख चुके हैं, इस वजह से महत्वपूर्ण है, और इसका नाम है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, और ये लिखी है राजेश तलवार जी ने। फिर हम बात करेंगे दोस्तों एक नई टेक्नोलॉजी की, आपने जरूर देखा होगा जो है आजकल बड़ी सारी वीडियो गेम्स हैं दोस्तों इससे बनती हैं, वर्चुअल रियलिटी इन हेल्थ केयर। तो जो लेह है दोस्तों लेह लद्दाख है, इसने पहली बार मतलब क्योंकि अभी वहां पर कोर एरियाज हैं दोस्तों अभी तक आईटी कंपनीज नहीं गई हैं, तो दोस्तों आईटी सेक्टर में है दोस्तों जो है टेकन द फर्स्ट स्टेप इन बिल्डिंग एन आईटी सेक्टर एस एस खंडारे, वहां के जो लद्दाख के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं दोस्तों उन्होंने लद्दाख में पहला ईथोस डिजिटल फर्स्ट आईटी ट्रेनिंग एंड सर्विस सेंटर है उसकी शुरुआत की है। मैं रिपीट करता हूं ये वहां का पहला आईटी ट्रेनिंग एंड सर्विस सेंटर है, और ये किस कंपनी ने सेटअप किया है, ईथोस डिजिटल ने इसको सेटअप किया है जी लद्दाख में लेह। जब भी हम लेह लद्दाख की बात करते हैं थिएटर की बात की दोस्तों पेट्रोल पंप की बात की इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन की बात की बड़े सारे प्रश्न लेह लद्दाख से आ जाते हैं, और इनकी भी अलग से एक लिस्ट है आप बना सकते हो। हाँ जी, और दोस्तों ये जो हम बात करें ये जो हमारी ईथोस डिजिटल है ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि कैलिफोर्निया यूएसए बेस्ड कंपनी है, और ईथोस डिजिटल वाज असिस्टेड इन एस्टैब्लिशिंग फर्स्ट आईटी ऑफिस इन लद्दाख बाय असीम फाउंडेशन, और इनको पहला यहां पर ऑफिस खोलने के लिए भारत की पुणे बेस्ड एक एनजीओ जिसका नाम है असीम फाउंडेशन उन्होंने इसकी सहायता की है, ताकि वहां के जो युवा हैं वो भी जो है अपनी काबिलियत को पहचान सकें और जिंदगी में आगे बढ़ सकें। वेरी गुड। हाँ जी, तो आगे बढ़ने से पहले विक्रम ठाकुर लिख रहे हैं कि बफरिंग हो रही है, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी जल्दी से बता दें क्या बफरिंग सच में हो रही है। ठीक है, हो रही है, तो दोस्तों जो है मैं कुछ टेक्निकल टीम को बोलना चाहूंगा कि वो इसे ठीक करने की कोशिश करें, अगर नहीं हो रही है तो दोस्तों बाकी स्टूडेंट्स एक बार बता सकते हैं, और विक्रम ठाकुर जी आप एक बार बंद करके दोबारा से इसे शुरू कर सकते हैं अगर बाकी स्टूडेंट्स ने बोल दिया नो बफरिंग। हाँ जी, तो एक बार बंद कर लीजिए दोबारा से शुरू कर लीजिए।
फिर उसके बाद मुझे लगता है कि जब भी हर रोज जो है कई बार लेक्चर छोटे बड़े चले जाते हैं, जब भी 7-7-5 का टाइम होता है, मुझे लगता है बड़े सारे घरों में ऐसा टाइम होगा कि भाई 7 बजे उनको किचन में जाके लड़कियों को खाना बनाना शुरू करना है। तो 7-7-5 ये बड़ी सारी लड़की, मुझे नहीं पता लड़कियां जाती हैं लड़के जाते हैं, लेकिन 7-7-5 के बाद जो है देखता हूँ बड़ी सारी गिरावट आ जाती है हमारे व्यूअरशिप में। तो जो है मुझे लगता है 9-7-7-7-5 से पहले ही मुझे खत्म करना पड़ेगा, ताकि जो है आपके जो 7 बजे के काम है वो है डिस्टर्ब ना हो। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज सिविल सर्विस डे है, सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को हर सारे दोस्तों जो सिविल सर्वेंट्स को डेडिकेटेड है, और ये जो दिन है 1947 में सरदार पटेल ने हैं दोस्तों जो भारत के पहले होम मिनिस्टर थे उस टाइम पीरियड के जो आईएएस ऑफिसर्स थे उनके साथ एक मीटिंग की थी, उनके साथ दोस्तों एक जो है एक तरह से दोस्तों उनको के साथ है एक बड़ा आयोजन किया था एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में, और उनको भारत की सिविल सर्विस को दोस्तों स्टील फ्रेम का नाम भी दिया था उन्होंने, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया का, और उससे लगातार है हम लगातार है इस वजह से है 21 अप्रैल को हर साल सिविल सर्विस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले सोनिया कह रहे हैं कि सर खाना बना रहे हैं साथ साथ और क्लास भी चल रही है, चलिए बहुत अच्छा सोनिया। और जो है खाने के साथ याद आया एक और स्टूडेंट थी नेगी, पूरा नाम है या रिम्पी नेगी, वो भी आजकल नहीं दिख रहे, ठीक है, वो भी मक्की की रोटियां है साथ बनाया करती थी पहले। और यहाँ पर जो है दोस्तों 2 दिवसीय नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड ने दोस्तों गोवा में है इसको आयोजन किया है, और ये नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, ताकि जो किस तरह से है दोस्तों जो है इसको कंट्रोल किया जा सके, गोवा में इसको इंडियन कोस्ट गार्ड ने आयोजित किया है, और इसका नाम है नेट पोलरेक्स 8। मैं रिपीट करता हूं, इस नेशनल एवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज का नाम है नेट पोलरेक्स 8 इज द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज। फिर उसके बाद हमने बात की दोस्तों राजस्थान भारत में, हाँ जी ओके निशा, राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य बन चुका है दोस्तों, यहां पर मैं सिर्फ राज्य की बात कर रहा हूं क्योंकि इसके अलावा यूटीज दिल्ली में ये पहले ही ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, एल रूट सर्वर है ये इंस्टॉल हो गए हैं। अब ये एल रूट सर्वर क्या होते हैं दोस्तों, एल रूट सर्वर का मतलब है कि अगर राजस्थान में इन फ्यूचर में आंधियां भी चलेंगी, तूफान भी आएंगे दोस्तों, पूरी तरह से अगर पर्यावरण भी खत्म हो जाएगा, तो ये इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी जबरदस्त है वहां पर किसी भी तरह से कोई बाधा है इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं आने वाली, तो इसे हम एल रूट सर्वर बोलते हैं। ये जो सर्वर है दोस्तों फिलहाल भामशा स्टेट डाटा सेंटर में है दोस्तों, जो है वहां इंस्टॉल किया गया है वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने, और इस पे उसका जो साथ दिया है वो दिया है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर में, जिसको की शॉर्ट फॉर्म में इकैन बोलते हैं। तो पहला जो है एल रूट सर्वर कौन सा स्टेट इंस्टॉल करेगा, इसे राजस्थान करेगा जी। फिर इसके बाद पंचायती राज दिवस है आने वाला है 24 अप्रैल को, और दोस्तों इस साल इसके लिए जो जम्मू का एक छोटा सा गांव है पल्ली गांव, और पल्ली की मैं बात बता दूं दोस्तों यहां पर पूरी तरह से है ये जो सांबा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू का वहां पर स्थित है, और सोलर प्लांट है दोस्तों रिकॉर्ड टाइम में, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को 24 तारीख को है आना है वहां पर, पूरी तरह से दोस्तों सोलर प्लांट है वहां पर उसका इंस्टॉल कर दिया गया है, अब वहां की पूरी की जो बिजली है इस गांव की सोलर प्लांट से आया करेगी, तो इस गांव को है सिलेक्ट किया गया है इसी वजह से पंचायती राज दिवस फंक्शन के लिए। और 24 अप्रैल को दोस्तों जम्मू कश्मीर के बहुत सारे गांवों के सरपंचों के साथ है नरेंद्र मोदी जी जाके वहां पर एक मीटिंग को जो है दोस्तों वहां पर अनावरण करेंगे। इसके बाद आपको पता है टाइम टू टाइम हम बात करते रहे हैं दोस्तों प्रोजेक्ट 75 की, जिसके तहत 6 सबमरीन्स को है भारत इंडिया मेड इन इंडिया दोस्तों है इंडियन कोस्ट गार्ड में है इंडियन नेवी में इंक्लूड करने, अब जो छठी जो हमारी दोस्तों कोस्ट गार्ड है आईएनएस वक्शीर, मैं रिपीट करता हूं नाम आईएनएस वक्शीर, इसको मुंबई में जो स्थित है दोस्तों जो कनौजी एंग्रे वेट बेसिन ऑफ मजगांव दो किलोमीटर जो मुंबई में है वहां पर इसको जो है इस स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन को है भारतीय नेवी में इंक्लूड कर लिया गया है, नाम है वक्शीर, और ये जो 6 इंडियन नेवल शिप्स को इंक्लूड किया है दोस्तों, इस नाम था इसका जो प्रोजेक्ट 75। फिर हम बात करें हमारे भारत अमेरिका की उपराष्ट्रपति की, जो कि इंडिया बेस्ड है दोस्तों भारतीय मूल की कमला हैरिस ने अपने डिफेंस एडवाइजर के तौर पर है शांति सेठी, ये आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं, उन्हें नियुक्त कर लिया, और दोस्तों वो खुद भी भारतीय मूल की हैं और शांति सेठी भी भारतीय मूल की हैं जो कि वहां की डिफेंस एडवाइजर है बन चुकी हैं। तो दोस्तों इसी के साथ है आज का सेशन खत्म हो गया, आज का सेशन कंप्लीट हो गया क्योंकि हिमाचल से जुड़ी कोई खास न्यूज है नहीं थी, और दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये पूरा का पूरा जो सेशन है आपको पसंद आया होगा, पूरा का पूरा जो सेशन है, क्योंकि मेरी कोशिश एक ही रहती है आपके सेशन के साथ
कि स्टूडेंट्स अगर एक बार मेरा ये सेशन देखते हैं तो उन्हें इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जो होता क्या है कि बार बार मैंने पिछले 5-6 महीने से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरी कोशिश यही रहती है कि शुरुआत में मैंने देखा कि जो स्टूडेंट्स थे वो उनको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एक ही चैनल पे नहीं मिल पाती थी, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है जो 4 दिन दोस्तों आज की इंफॉर्मेशन है या तो वो 3-4 दिन बाद मिलती है बहुत सारे जो ऐसे चैनल्स के ऊपर, बहुत सारे ऐसे जो हम बात करते हैं दोस्तों जो वेबसाइट्स के ऊपर। तो कोशिश यही रहती है कि पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन है जो हमारे मुख्य सोर्सेज हैं, हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है दोस्तों, PIB है, और भी जो इंपॉर्टेंट जहां पर हमें वन लाइनर्स मिल जाते हैं, तो सभी को है एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जा सके। तो ये हमारी कोशिश रही है और हम जो है कोशिश में कितने कामयाब रहे हैं नहीं रहे ये तो आप ही को पता है दोस्तों, आप ही हैं दोस्तों इसके गवाह हैं। और दोस्तों इसी उम्मीद से हर रोज आपके साथ 6:15 जुड़ते हैं और अब जो है समय है रिवीजन का है। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन भी आपको पसंद आया ही होगा। तो चलते हैं जी आज की रिवीजन की तरफ। दोस्तों सबसे पहले फाउंडेशन स्टोन है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का, जामनगर में नरेंद्र मोदी जी ने रखा। MCLR के बारे में बात की, फिर श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बात की, फिर दोस्तों हमने अलूरी सीतारामा राजू के बारे में बात करी, इनकी रामपार बेलियन के बारे में, फिर उसके बाद भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप गांधीनगर में, फिर हमने जो बात की दोस्तों नई श्रिम्प की जो स्पीशीज है लक्षद्वीप में जिसका नाम रखा है एक्टिमेनास कोयास, इसको है हमारे ICR ने है जो है डिस्कवर किया। मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स को डेडिकेटेड डे 18 अप्रैल है और जल निगरानी है जम्मू कश्मीर की पंचायती राज दिवस में है एक जो है हेल्प की है दोस्तों, ऐप लॉन्च की है ताकि वहां के लोगों की जो समस्याओं को दूर किया जा सके। फिर रशिया के वॉरशिप मॉस्कवा इसको गिरा दिया है यूक्रेन ने। फिर 2 दिन का नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स जो एक्सरसाइज है इंडियन कोस्ट गार्ड ने गोवा में आयोजित की। फिर कर्नाटका ने रोबिन अथप्पा को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इंडियन पल्स ऑफ ब्रेन एसोसिएशन के नए चेयरमैन विमल कोठारी। फिर पान शक्ति भारतीय आर्मी और CAPF ने मिलकर दोस्तों वेस्ट बंगाल में आयोजित की। फिर द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन राजेश तलवार ने है ये किताब लिखी है। फिर उसके अलावा लेह लद्दाख में दोस्तों पहला जो है IT ट्रेनिंग एंड सर्विस सेंटर इथोस डिजिटल जो कि US बेस्ड कंपनी है असीम फाउंडेशन के साथ मिलकर है इन्होंने वहां पर दोस्तों स्थापित किया है। सिविल सर्विस डे आज पूरे हिंदुस्तान में है दोस्तों ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। राजस्थान भारत का पहला ऐसा स्टेट है जहां पर एल रूट सर्वर है दोस्तों उसको वहां पर लगा दिया गया है। और पंचायत इस बार 24 अप्रैल को नरेंद्र मोदी जी पल्ली जो गांव है दोस्तों वहां की पंचायत के साथ है अपना पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट करने वहां जाएंगे। और भारत ही मूल की दोस्तों अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस ने है भारतीय मूल की ही शांति शेट्टी को अपने डिफेंस एडवाइजर के तौर पे नियुक्त कर लिया। इसी के साथ आज का सेशन है कंप्लीट होता है, उम्मीद करूंगा अच्छे से समझ आया होगा। सेशन को जरूर शेयर और लाइक कर दीजिए और दोस्तों अपने बहुमूल्य विचार है हमें जरूर दिया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।